हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी असिस्टेंट मॉक नंबर 2। 2022 वाली हमारी सीरीज चल रही है टेक्स्ट बुक पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 2। एंड आपको भी अगर ये मॉक लगाने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को एंड टेस्ट लगा सकते हैं। सो चलिए अभी तो हम स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेशन। रीजनिंग 8 फ्रेंड्स, ओके, डिफरेंट स्टोरी मिले लोग मोस्ट इज 1 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, सी इज अबो एच, एच इज नॉट ऑन प्राइम नंबर, सो एच क्योंकि ये नॉन प्राइम पे होगा। एटलीस्ट 2% सी और एच, थ्री % लिव्स बिटवीन बी एंड डी, 1 2 3। इसको देख लेते हैं पहले, एच एक इधर आ सकता है और फिर एच इधर भी आ सकता है। ओके, एफ लिव्स 2 फ्लोर अबो पी, जी लिव्स ऑन 5, सी डज नॉट एडजेसेंट टू डी, ए लिव्स अबो, ए लिव्स जस्ट अबो ई फ्लोर। ओके, सो हम इसको करते हैं। अब सी हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है, एच तो हमने लगा दिया, नहीं तो ये हो जाएगी और सी और डी एक साथ नहीं होंगे तो डी इधर नहीं आएगा, तो डी इनमें से ही कहीं पे आएगा, इनमें से कहीं आएगा तो डी या तो इधर, डी इधर ही आ सकता है, फिर बी इधर, एफ आएगा इधर, तो ए और ई की जगह नहीं बची इसीलिए कैंसल। ओके, सो एक पॉसिबिलिटी इधर ले लेते हैं हम, सी और डी एक साथ नहीं आएंगे तो डी इधर ले लेते हैं एक बार, 1 2 3, बी इधर, फिर बी के ऊपर ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, जी तो इधर ही रहने देते हैं, एच इधर आ जाएगा और फिर सी, सी हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है, दो होने चाहिए तो एक तो सी इधर हो सकता है, सी अगर हम इधर ले लें तो डी इधर आएगा नहीं, तो इधर सिर्फ आ सकता है बी, तो इधर वो पॉसिबल नहीं होगा, सी इधर ले लेंगे तो डी इधर नहीं आएगा, मान लो डी इधर आ गया तो 1 2 3 बी इधर आएगा, बी के ऊपर वो वाला पॉसिबल नहीं होगा, और अगर ये हटाए बी इधर लें वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो सी हम इधर ले लेते हैं, सी बी इधर है, 1 2 3 डी आ जाएगा इधर, ये बन सकता है हमारा, सी इधर ले लेंगे, बी एफ 1 2 3, फिर डी इधर आ जाएगा, ए और ई इधर, सी और डी भी एक साथ नहीं हुआ, हाँ होगा, टॉप मोस्ट फ्लोर पर है एफ, हाउ मेनी पर्सन लिव्स अबो ई फ्लैर, ई फ्लोर, 1 2 3 4 5, फोर ऑफ, ठीक है, ओड वन आउट, एफ बी जी, एफ बी जी, जी मिलेगा ए टी, हाँ सही बना है हमारा एकदम, बी इधर 6 पे है, हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड एच, सॉरी जी एंड एच,
1 2 3। काफ़ी ट्रिकी थी ये वाली। पेयरिंग वाला है 6 3 5 8 4 2 7, 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 9 10, 5 6 7, 4 5 4 5 6 7 9, 2 3 4 5, 7। सिर्फ एक ही बना है। हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, एक सिंबल सिंबल नहीं है, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल नंबर सिर्फ एक। हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर बिटवीन डी एंड फोर, डी एंड फोर विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। डी 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 ओके, डी ये हो गया इधर, और फोर हमारा लास्ट में है। इमीडिएट और फॉलोड और प्रिसीडेड बाय नंबर, ऐसा सिंबल जिसके दोनों तरफ सिंबल सॉरी नंबर हो, सिंबल फिर नंबर नहीं है, सिंबल नंबर सिर्फ एक है ये भी। हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय वोवल। सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट नन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिक्स टू द लेफ्ट और 12th, छटाई देखना है, 1 2 3 4 5 6 भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 17th फ्रॉम द राइट, 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार है, और 17 तक था ना ई, इसके बीच में देखना है क्या होगा। एक तो छोड़ दिए, तो ये वाला सिंबल कौन सा जो भी है, ओमेगा। 9 पर्सन 9 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड और आउटसाइड के हैं 5, 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। ए फेसेस सेंटर, 4 टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3 4, 2 3 4, इज इट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ई फेस इज अपोजिट दैट ऑफ ए, एफ और ई फेस इज द सेम डायरेक्शन, डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी और सी दोनों एक तरफ देख रहे होंगे, सेम डायरेक्शन हो गया, एच फेसेस आउटसाइड। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ, तो बी भी हमारा आ गया है, बी फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए, अंदर की तरफ देखेगा, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जी और सी एक साथ नहीं होंगे, आई डज नॉट फेस इनसाइड, आई आउटसाइड देखेगा। अब बनाते हैं इसे, टू एच इधर ले लेते हैं, मान लो लेफ्ट राइट में एच, लेफ्ट राइट, 1 2 डी
अब डी के लेफ्ट में बनाना है हमें, तो ये आ गया सी। सी और जी एक साथ नहीं होंगे, आई देखेगा आउटसाइड, सी और डी एक साथ एक तरफ देख रहे हैं, इनसाइड वाले हैं चार, 1 2 3 4। जी की कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो मे भी ये सही है हमारा। एक और देख लेते हैं, एच आउटसाइड देख रहा है 1 2 डी। अब डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में आ गया एक छोड़ के सी। सी भी बाहर ही देखेगा, जी आ गए इधर, जी और सी, फिर आई आ जाएगा, आई देख रहा है आउटसाइड। लो भाई ये तो दोनों 4 पर्सन एंड अदर आर फेसिंग आउटसाइड, 1 2 3 4 5 5। अंदर वाले कितने हैं, एक दो दो ही हैं, इसमें तीन बनेंगे, ये हमारा बन गया। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए जी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई एफ, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ, एक भी नहीं है ना। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, 1 2 3 जी। What is the position of C with respect to H? C, H is my first, second, third, fourth to the left. Fourth to the left भी है. 1 2 3 4, fifth to the right. इसको एक सेकंड के लिए हम छोड़ते हैं अभी, इसको बाद में करेंगे। 8 person are sitting in a row, 4 of them are per. These people are facing north. और देख रहे साउथ में, 3 4 5 6 7 8। थ्री पर्सन आर सिटिंग टी एंड वी हु आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। दिस इज ओनली मीडियन नंबर वी, 4 5 6 7 8। फिर क्या बोले, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं। एस इज नॉट फेस इज सेम डायरेक्शन एज वी, टी और वी भी डिफरेंट डायरेक्शन में। क्यू एंड एस सिट 4 टू द राइट ऑफ इच अदर, थ्री फोर ओके। तो वी और एस अपोजिट देखेंगे तो इधर ही हो जाएगा। थ्री पर्सन आर सिटिंग टी एंड वी, 1 2 3 2 3। अब टी और वी भी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं, आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू ऑफ क्यू हु इज फेसिंग साउथ। R is sitting 4 to the left of P, first, second, third, fourth. P who is facing same direction as R. V is not an immediate neighbor. W is okay. P and S is not sitting. End of the row नहीं है. 1 2 3 4 हो गए. अब ये सारे इधर ऊपर देखेंगे. P Q R S T U रह गए एक. Third to the left of you, 1 2 3 P. How many person are sitting to the left of Q? 1 2. True regarding W. Is immediate left of P? नहीं है. Third to the right of Q. 1 2 3 हाँ ये सही है. Or immediate neighbor of T, P and Q. Second to the right of S, P. काफ़ी ज़्यादा questions रह गए. Q greater than T, Q
क्यू ग्रेटर देन डी गलत, आर ग्रेटर देन ओ, आर ग्रेटर देन ओ ये भी गलत हो गया, नाइदर नोर। जे ग्रेटर देन एस, जे 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 ग्रेटर देन एस सही है, जी ग्रेटर देन डब्ल्यू जी ये नहीं है, ओनली वन। के ग्रेटर देन ई, के ग्रेटर देन ई सही है, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, पी ये गलत हो गया, ओनली वन इसमें भी। ए ग्रेटर देन एम, ए ग्रेटर देन एफ, बी आइदर और हो गया दोनों। देखते हैं क्वेश्चन, सम कार ट्रेन नो ट्रेन बाइक, सम बाइक इज नॉट ट्रक, सम ट्रक कैन बी कार हो सकता है, सम बाइक कैन बी कार, बाइक कैन बी कार ये हो सकता है, दोनों के दोनों सही हैं। होल सिटी टाउन, होल टाउन डिस्ट्रिक्ट, ओनली फ्यू डिस्ट्रिक्ट इज स्टेट, सम टाउन स्टेट, टाउन स्टेट नहीं पता, ओल्ड टाउन बींग सिटी, ओल्ड टाउन बींग सिटी इज ए पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओनली सेकेंड। फिर है सम मोबाइल लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप गैजेट्स, नो गैजेट डिवाइस, सम मोबाइल आर डिवाइस, मोबाइल डिवाइस नहीं पता, नो डिवाइस मोबाइल ये भी नहीं पता, इधर और। फिर है सम मोबाइल स्पीकर, सम स्पीकर बोटल, नो बोटल मोबाइल, ओके ऑल बोटल बींग स्पीकर, ऑल बोटल बींग स्पीकर इज ए पॉसिबिलिटी हो सकती है, सम स्पीकर आर नॉट मोबाइल, सम स्पीकर इज नॉट, सम स्पीकर इज नॉट मोबाइल, ये भी सही है बोथ। फिर सेवन परसेंट आर परचेज आइटम वन बाय आइटम वन आफ्टर अनदर, ओके ठीक है। ए परचेज अ माउस एंड देयर इज ए गैप ऑफ 2% बिटवीन ए एंड डी, ए ने परचेज किया माउस, देयर इज अ 2% गैप बिटवीन ए एंड ई, ई एक बार इधर ले लेते हैं माउस, वन टू ई इधर आ जाएगा, ई डजंट कम फर्स्ट और लास्ट, टोटल कितने थे 7, 3, 7 में से 5 हमारे हो गए। एज मैनी पर्सन कम आफ्टर ए, द नंबर ऑफ पर्सन हु केम बिफोर एफ, सी परचेज इरेजर इमीडिएट बिफोर ए, ये हो गया इरेजर हो गया इधर। ओके सो अब क्या होगा कि ये तो नीचे लेना पड़ेगा और एफ पेन इसमें इधर आ जाएगा, ठीक है और देख लेते हैं हम क्या कुछ है। देयर इज अ गैप ऑफ 4% बिटवीन ई एंड जी, 1 2 3 4, अब ये होगा नहीं, नहीं हो सकता है ना, इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3 4, जी क्या था हमारा प्रिंटर, अब ए इधर 1 2 3 4 5 6 7 इतना ही रख लेते हैं, तो दो छोड़ के एफ पेन इधर आ गया भाई, वो ई और जी में 4 का गैप था ना, 1 2 3 4, जी प्रिंटर इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया, दो नीचे दो ऊपर होंगे, एफ पेन इधर आ जाएगा। डी परचेज फोन इमीडिएट बिफोर ई, ये कैंसिल हो गया, ए बी बी रह गया हमारा, ई परचेज टीवी, द मग परचेज बाय द, एक और रह गया मग, माउस फोन पेन टीवी प्रिंटर इरेजर हो गया, पेन टीवी प्रिंटर भी हो, प्रिंटर भी हो गया, माउस मग फोन रह गया, पेन कौन ले रहा है एफ। देर इज अ गैप ऑफ हाउ मैनी पर्सन बिटवीन एफ एंड जी,
1, 2, 3. Which item has been purchased just before mug? Mouse. ये क्या बात हुई, इतने क्वेश्चन थे उस पर. 8 person. ओके, 2 रो, दो रो में दे रखे 1 और 2. ईच पर्सन फेसिंग रो 1 के जो हैं फेस कर रहे हैं साउथ में और रो 2 के नॉर्थ में. ईच ऑफ द पर्सन रो 1 पर्सन फेसिंग, ओके इसमें अगर क्यू आर एस टी टू आर से नॉर्थ वाइल फेसिंग. एक सेकंड दोबारा पढ़ते हैं. ईच पर्सन इन रो 1 फेसिस अ पर्सन ऑफ अनदर रो दिस आर फेसिंग साउथ वाइल जी एच एफ आर टू आर द साउथ. नेटवर्क को क्या हुआ ये? एक सेकंड, लाइट गई शायद. जल्दी से करना पड़ेगा. Each person in row 1 facing a person of another row PQRST are facing towards north. P नहीं, QRST facing north while GHF are facing the south. 2, 3, 4 हो गया. Here only one person is sitting, G and I. जी एंड आई आई सिट टू द लेफ्ट ऑफ जे. एस इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस. ओनली वन पर्सन सिट क्यू एंड आर. क्यू एंड आर इज नॉट फेसिंग आई. H is not sit to the right of G. H sit to the left of G. One of the immediate neighbor of J is facing T. If all the person are made alphabetical order from left end of both the rows, okay. How many people remain the same? तो क्यू आर एस इसमें दो हो गए और इसमें जी एच आई जी उसमें एक, टोटल 3. नेक्स्ट टीम एंड ऑफ रो 2 क्यू और टी. हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग एस. आई. Who is sitting in extreme end of row 1? G or I? Who is sitting immediate left of S? R? ये देखते हैं रोहन राम रीता. ओके, क्या है इसमें मार्क्स ऑफ 10? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत और SS. तंग बहुत करेगी वरना ये लिख ही लेते हैं. पहले लिखते हैं क्रॉस वाला 80, फिर ये कितना है 70, 75, 60, 65 और राम का देख लेते हैं 90, 80, 70,
80-60, और फिर रीटा का ये ना 70-60-90-85-70। फाइंड द डिफरेंस बाय टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय, टोटल निकालना पड़ेगा। 5 5 10, 7 2 14, 6 2 12, 12 8 20, 4 3 35, 0 8 2 16, 16 15 7, ये हो गया 31 38। इसको भी जोड़ लेते हैं, 5 7 2 14, 6 20, 29 29 और 8। डिफरेंस बताना है रोहन और रीटा का, ओके 30, एक सेकेंड 25 था, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय 3 इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हो गए भाई 70 240, टू द सोशल साइंस 6 2 12 और 12 और 7 19, थ्री फोर फाइव नाइन 48 39, काट देंगे कितना 16 1 3 16 13। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड हिंदी, हिंदी में बनेंगे 140 240 / 380। मार्क्स ऑब्टेंड बाय मराठी बाय राम 70, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 3 इन मराठी 7 2 14 23, 2 3 5, 3 5 कैसे लिख दिया 14 4 7, 47 से करेंगे तो ये वही 3 के आसपास जाएगा, 7 21 2 4 3 12 14 30 के राउंड ही आ गए। The marks obtained in 5 subjects of Rohan 350 is what percent less than the Ram? Ram से भी 30 कम 380 upon 200 50 19 5 15 19, तो ये कितना बन गया फिर, एक से नहीं लेन कैसे 8 डबल स्किप क्यों रहा भाई, 3 और 1 4 प्लस 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, फिर 36 61 7 9 97 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2 10 ही आएगा, 25 या 3 और 1 और फिर 15, 7 और 1 17, फिर 19 आना चाहिए, 6 16 6 और 1 76 इंटू 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 7 6 42 4 7 21 35 24 25, 25,200। ये कितना है 8 divided by 4, फिर डिवाइड बाय 4, फिर डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 125। सिक्स वन सिक्स जीरो फाइव सिक्स जीरो इन टू 18 और 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 4 गया 5, ये 7 आ जाएगा, 9 आ गया 25 और 3 28, 7 से काटते हैं ना, 7 8 56, 5 फिर 8 पे जाएगा 7 चौक 2 2, 9 2 18, 18 1 19, 8 और 7 15, 1 15 और फिर 1 7 8 9 955, 2 into 2 ही आएगा, 2 into 26 52, 13 चौके
छः दिन 12 और 1 13, फिर 8 दूनी 16, 8 और 4 12 और 1 13, 6 और 1 7, 2 2 2 5, 5 8 5 7, 5 6 4 5, 0 4 9 1, 55 डिवाइड बाय एक्स प्लस 81, 50, 36, 6 5 3 8, 5 आ जाएगा 11 आंसर। ओके 17 चौक 4 आ जाएगा, 4 जाएगा तो 8, 8 और 7 15, 15 का 2/3 करेंगे 5 दूनी 10, 60, 130, 130, 25, तो 15 × 30 2 आ गया, 5 13 × 26, 26, 13 13 13 6 78, 7 13 × 26, 6 13 3, 338, 4 2 0, 20 − 4 × 4 5 = 20, तो ये कैंसिल हो गया, 15 आ गया, 15 में से 1200, इधर 15 15 - जाएगा 1210। दोबारा करते हैं, 80 / 4 = 20, -8 / 25 = 4, चूँकि 20 कैंसिल ही हो गए, तो 15 + x 1210 ही आएगा भाई। वो तो कट ही जाएगा, 2 0 4 5, चूँकि 20 ये कैंसिल, 15 उस तरह हो जाएगा। सही है, 4 5 7 5, 0 5 4 9 7 8 9 1 3, 5 आ गया 17 में से 7 3 8, 14 में से फिर आएगा 5, तो ये आ गया 39 करेंगे तो 14, 8 4 12 5 6, 5 ये हो गया 95 का, ये हो गया ठीक है, 95 करेंगे तो 9, 11 में से 2, 529, 70% ऑफ 2/3 × 630, 2 1 2 4 7 7 × 14 2 7 8 30 304, 70% ऑफ 2/3 × 630, 0 हो गया, इधर से ये गया 2 1 2 2 2 4 7, 7 2 14 1 7 28 29, 841 ये होता है 29 का, 29 × 5 = 9 5 45, 4 5 10 4 14, 169 और फिर 44, 9 2 18, 1 10 14 1 15, 1 1 2 1 3, फिर उसमें से 15 माइनस करेंगे तो 3 4 3 7 होगा, 6 4 10 1 1 5 6, 6 4 10 16 से लगी 1, फिर क्या हो गया 9 और 11 20 2, 9 10 और 3 13 से लगी 1, 2, फिर इसमें से 2256 जाएगा, 0 5 50, 3 2 6, 6 में से आ गया 2, 9 आ जाएगा 25, 1/4 करेंगे 40, 3 2 6 60, 100 हो गया, 100 का 100 × 20, 500 आ जाएगा, 2 BHK फ्लैट, 1 BHK एवरेज ऑफ 1 BHK, 1 BHK कितना हो जाएगा भाई, 30 40 50 60 70 80 84, 4 2 1,
फाइंड द रेशियो बिटवीन द 1 BHK ABC ABC 40-60 2 BHK COD आज क्या रहा आज 60-51 17-3-20 20 और 17 फाइंड 2 BHK इन ए 2 BHK इन ए 30 इज हाउ मच 1 BHK इन सी 5 ज़्यादा है सी का 2500 420% फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 BHK एंड 1 BHK टोटल बताना है टोटल इसका था 84 और इसका कितना बन गया 30 30 60 90 सो 116 16 तो 16 16 32 ड्यू टू रिनोवेशन इन बिल्डिंग ए 20% ऑफ 1 BHK गेट कन्वर्टेड इनटू 2 BHK नाउ द टोटल नंबर ऑफ 2 BHK 84 का 21 इन बिल्डिंग ए 20% ऑफ 1 BHK अच्छा 20 का 20% आ गया 4 2 BHK इन ए 34 हो जाएगा द एरिया ऑफ ए सर्कल 2 πr एरिया बोला यार पाई आर स्क्वायर 154 बाईस दो फिर 14 दो गया 7 पे 7 आर आ गया 7 इसका द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a प्लस सर्कमफेरेंस 2 πr और 80 दे रखा है दो दो ने 4 4 तो ये ना 36 ए आ गया 9 एंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ए √2 सॉरी हाँ 9 √2 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ टू शुगर्स ओके 25 and 40 बॉक्स मिक्स कर दिए 2 और 3 के रेशियो में 25 दो ने 50 चाहती है 12 1 डिवाइड बाई 5 पता तो नहीं 34 इसका हुआ गया ये क्वेश्चन तो आया नहीं था शायद से रान स्पेंड 30% ऑफ द मंथली इनकम 100 थी जिसमें से 30 फूड पर लगा दी 50% ऑफ द रिमेनिंग इसका 35 उसने क्या किया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे वो 35 जो बची सेव कर ली एक की वैल्यू आगे 300 फाइंड द मंथली इनकम ऑफ श्याम इफ द मंथली इनकम ऑफ राम इज 25% लेस ओके मंथली इनकम इसकी हो जाएगी 30,000 और राम की क्या है 30% मंथली इनकम राम इज 25% लेस यानी कि 75 चार पे गया सीधा सीधा 40,000 हो जाएगा द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन 45 फाइव ईयर अगो फादर वॉज तो फिलहाल 40 के हैं फादर सन है 5 का ए शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट टू देयर कस्टमर एंड सेल अ सूट And got a profit. पांच पंजे 25 तो पांचों के 20 21 22 तो ये आ गई इसकी सीपी फाइनल डिफरेंस में सीपी एंड ओके 10% डिस्काउंट देने के बाद 90 की होगी 3,000 750 Me and been to partnership 4 or 5 the partnership agreement stated that he receive rupees 1500 per month the business management the remainder of the profit must be shared into profit the annual profit was 15 or 12 ka kitna ho jaye 180 18000 to gaye 45 mein se 3 5 2 7
27,000 बचेगा जो कि इसमें बटेगा इंटू 5, 3 5 की 15,000 हो जाएगा बेटा। इन एनी थ्री नंबर्स द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट टू मोर देन थ्री। ओके फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड हमने 100 मान लिया, फर्स्ट और सेकेंड 130, 40 फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू 13 14। द रेशियो द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड स्टिल वाटर 15 एंड स्ट्रीम की स्पीड है 3। टाइम टेकन बाय 72 किलोमीटर स्टार्टिंग एंड रिटर्निंग। ओके 18 प्लस 72 अपॉन 12 10। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर एट ए स्पीड ऑफ टनल को निकाल देते 19 2 5 by 18। 200 मीटर की ट्रेन है जिसको 24 घंटे तो टनल की ये निकल जाएगी 18 5 25 हो गया 25 4 10 25 50 500 टनल आ गया 300। एंड अनदर ट्रेन क्रॉसेज द सेम टनल इतना फाइंड द लेंथ ऑफ द 108 है दूसरी ट्रेन की स्पीड 36 हो गया 30 और ट्रेन की हमें निकालनी है लेंथ टनल है इतना टाइम कितना लग रहा 33 9 900 600 आ जाएगा 600 आना चाहिए ना 6 5 30 This is the same tunnel in 30 seconds. Find the length of the second tunnel. एक सौ आठ पांच 90 into 5 by 18 200 meter की लेंथ है ट्रेन की टनल की निकालनी है 24 लगते हैं इसे 6 3 6 4 24 3 0 5 3 15 15 4 60 600 आएगा तो ये इधर आ जाएगा 400 ये 400 आ गया तो फिर 500 आ जाएगा। ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर क्रॉसेस माइलस्टोन के 12 सेकेंड स्पीड कितनी आ जाएगी 180 अपॉन 12 12 1 12 15 मीटर पर सेकेंड। द अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन 15 सेकेंड स्पीड उसकी निकल जाएगी 18 36 कितना टाइम लगा 15 3 आ गया 7 2 2 4 तो स्पीड कितनी आ गई 5 4 9 30 मैन वर्किंग 7 days टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days इन हाउ मैनी डेज 21 मैन कैन 8 hours ये गया 5 2 15 7 आ जाएगा 7 से 7 गया इधर आ जाएगा 5 25 ये देखते हैं। यू इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ टी एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी एंड एस इज द मदर ऑफ क्यू आर इज द वाइफ ऑफ क्यू एंड मदर ऑफ आर इज द मदर ऑफ यू V is the brother-in-law of Q and V is the husband of W. Q doesn't have siblings, say it. Okay, how V is related to you? V is related to you. V uncle. Next question. V is the sister of R. नहीं है वी इज द सिस्टर इन लॉ नहीं है एस एंड क्यू
ये भी नहीं है। यू डब्ल्यू इज अंकल नहीं है, डब्ल्यू इज असिस्टेंट ऑफ, ये क्या है, वो इज द वन सिबलिंग, पी और आर, पी और आर ही आएगा। यू डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू और क्यू भी नहीं आएगा। ओ भाई साहब, चलो फाइनली हो तो क्या, देखते हैं कितना क्या रहा, शायद गलत ना हुआ हो यार। ओके, दो तो अभी भी दोनों में एक एक गलत हो ही गए मेरे, देखते हैं क्या गलत रहा। अभी भी बहुत काम करना बाकी है गाइस। और फिर ये पी और स्टार कौन सा आएगा इसमें, ओ अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सिबलिंग, फिर यही आना था, आर और वी आना था। टाइम ही नहीं बचा था देखने का अच्छे से, जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दी। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द हिंदी, हिंदी में कितने हुए, 80 70 60, 8 14 चौदह 21 होना था ना, गड़बड़ कर दी ये भी। वो 24 कर दिया मैंने शायद से, है ना, 240 कर दिया था। और एक ये क्वेश्चन रह गया था, रोहित टुक सर्टेन लोन अमाउंट फ्रॉम ए बैंक 7% SI एंड एंड द सेम अमाउंट 13% SI एंड इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितने का हुआ, यही तो है, 3 और 3 6% का, 6% 1 साल का, 7% पर दिया इसने। हजार होगा। चलो गाइज, ये था मॉक नंबर 2 एंड आपका स्कोर बताना क्या स्कोर रहा इस मॉक में। ओके, सो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। थैंक यू।